दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। फ्लोर टेस्ट संबंधी राज्यपाल का अधिकार। हाल ही में महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट में राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट करने का निर्णय एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। फ्लोर टेस्ट से संबंधित राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य विधानसभा को बुलाने, भंग करने और सत्रावासन करने का अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 174(2)(b) राज्यपाल को कैबिनेट की सहायता और सलाह पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि राज्यपाल अपने विवेक का तब प्रयोग कर सकता है जब ऐसा मुख्यमंत्री सलाह प्रदान करता है जिसका बहुमत संदेह में हो सकता है। अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल सदन का सत्र आहूत कर सकता है और यह साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आह्वान कर सकता है कि सरकार के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है या नहीं। हालांकि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार ही उपरोक्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जिसके अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। जब सदन सत्र में होता है तो अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है, लेकिन जब विधानसभा सत्र में नहीं होती है तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की अनुमति दे सकता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति। अनुच्छेद 163(1) अनिवार्य रूप से राज्यपाल की किसी भी विवेकाधीन शक्ति को केवल उन मामलों तक सीमित करता है जहां संविधान स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि राज्यपाल को अपने विवेक पर कार्य करना चाहिए और इसे स्वतंत्र रूप से लागू करना चाहिए। राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग तब कर सकता है जब मुख्यमंत्री ने सदन का समर्थन खो दिया हो तथा उसका समर्थन बहस योग्य हो। आमतौर पर तब मुख्यमंत्री पर संदेह किया जाता है जब उन्होंने बहुमत खो दिया है, तो विपक्ष और राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाएंगे। कई मौकों पर अदालतों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब सत्तारूढ़ी दल का बहुमत सवालों के घेरे में हो तो जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर एक फ्लोर टेस्ट आयोजित किया जाना चाहिए। क्या होता है फ्लोर टेस्ट? यह बहुमत के परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ संदेह है तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है। स्पष्ट बहुमत के अभाव में जब सरकार बनाने के लिए एक से अधिक व्यक्ति दावा कर रहे हों, राज्यपाल यह देखने के लिए एक विशेष सत्र बुला सकते हैं कि सरकार बनाने के लिए किसके पास बहुमत है। कुछ विधायक अनुपस्थित हो सकते हैं या मतदान नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसी स्थिति में संख्याओं पर केवल उन विधायकों के आधार पर विचार किया जाता है जो मतदान करने के लिए उपस्थित थे।